आइए। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू सर। गुड आफ्टरनून टू बोथ। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं गुलशन जी? अच्छा हूँ सर। बढ़िया है। कैसा गया आपका मेंस? पिछले बार से अच्छा गया। पिछली बार से अच्छा है। और इससे पहले आप साक्षात्कार वगैरह दिए हैं? हाँ सर। कब दिए थे? 2019 में। कैसा गया था? ठीक था सर। कितने मार्क्स मिले थे? 100। अच्छा, आपके हॉबीज हैं किताबें पढ़ना। यस। अभी रिसेंट में आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं? सर वो गोदान पढ़ी थी। गोदान पढ़ी है। किनकी किताब है? प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी की। उनके कुछ कैरेक्टर के नाम बताइए गोदान के। सर गोदान का जो मुख्य कैरेक्टर है वो होरी है सर। होरी। उसकी जो पत्नी धनिया है वो भी मुख्य कैरेक्टर है। उसका बेटा गोबर और उसमें उसमें जो उसकी जो दो बेटियां हैं और उसमें एक पंडित है जो गांव का महाजनी देखता है और एक जमींदार है राय साहब और एक मिस माल। पंडित जी का नाम क्या है? सॉरी सर, पंडित जी का नाम है। अच्छा, ये गोदान क्या सामाजिक संदेश देती है? सर गोदान अपने समय के जो कृषक पर्यावरण मतलब बैकग्राउंड थे उस समय की कृषक बैकग्राउंड उसके बारे में बताता है कि किस तरीके से एक महाजन ब्रिटिश सरकार के जमींदार और सूदखोर महाजन कैसे एक कृषक को लूटते थे और उसका शोषण करते थे और कैसे उन्होंने एक कृषक को भूमिहीन मजदूर होने के लिए मजबूर कर दिया था। अभी तक आपने जितने भी किताबें पढ़ी हैं सबसे बेहतरीन किताब क्या लगी आपको? गोदान। गोदान जिसको आपने अभी पढ़ी है। सबसे पहली किताब क्या पढ़ी थी आपने? गोदान। अच्छा, आपने बस एक ही किताब पढ़ी? नहीं सर, मतलब पिछले 2009 पहली किताब आपने जब आपको जब समझ में आया कि आपकी हॉबी है सबसे पहली किताब कौन सी थी? सर बड़े लेखकों के में से गोदान पढ़ी थी मैं 2009 में। उसके बाद 2000 मैंने अभी आपसे पूछा आपने लेटेस्ट कौन सी किताब पढ़ी तो भी आपने गोदान। हाँ सर, दो बार पढ़ी है इसको। अच्छा, 2009 में। और गोदान से पहले क्या पढ़ी थी? आपका बंटी। आपका बंटी। आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी। अभी कुछ कुछ घटना घटी के मन्नू भंडारी जी से रिलेटेड? सर उनका देहांत हुआ था। देहांत। दो चार किताबें बताइए उनकी। और सर उनका किताब उनकी किताबें हैं महाभोज जो पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी गई है और उनकी कहानियां संग्रह भी आई है। गोदान उपन्यास है, कहानी है, क्या? सर गोदान उपन्यास। उपन्यास है। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? सर उपन्यास और कहानी जैसे जहाँ उपन्यास जो है वो समस्त जो जीवन है उसके बारे में बताता है सर सब समस्त पहलुओं को और जो कहानी है वो सिर्फ एक घटना पर केंद्रित हो सकता है और लेंथ के बारे में ही बताए तो उपन्यास लंबा होता है उसमें चरित्र ज़्यादा होते हैं और उसमें घटना का वर्णन भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। वहीं कहानियों में चरित्र कम होते हैं, घटनाएं कम होती है और उनका वर्णन भी कम ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रायपुर और नया रायपुर दोनों में से कौन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कि दोनों है कि दोनों में से कोई एक है? सर दोनों ले सकते हैं सर, दोनों। दोनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है सर जहाँ तक मैं सोच पा। अच्छा, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? सर अभी रायपुर ही है सर, मतलब अभी शिफ्ट कर रहे पर नया रायपुर पे। अच्छा, नया रायपुर का पूरा नाम क्या है? सर नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर। अच्छा, अटल नगर। अच्छा ये बताइए नया रायपुर के ना बसने का कारण क्या है अभी तक? सर अभी मोस्टली जो शहर है सर पुराने रायपुर पे ही बसा हुआ है और काफ़ी सारा जो काम है इकोनॉमिक काम छत्तीसगढ़ का जो वो यही है सर, मतलब पुराने तो अपना मंत्रालय इंद्रावती भवन सब तो उधर शिफ्ट हो गया है, मंत्री निवास भी अब वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। यस सर, अब जो धीरे धीरे शहर है सर वो धीरे धीरे बढ़ेगा सर और वहाँ पे अपने को और बसाने के लिए वहाँ इंडस्ट्रीज जो है उसको लगाने पड़ेंगे सर और जो भी विकासात्मक कार्य या जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको तेजी से डेवलप करना पड़ेगा सर, उसके लिए लैंड क्लियरेंस जो अटके पड़े हैं उसको तेज करना पड़ेगा। आज का अखबार पढ़ा आपने? यस सर। फ्रंट पेज में कोई हेडलाइन आपको? सर वो नामीबिया से चीते ला रहे हैं सर भारत के कुनो। अच्छा, नेशनल कहाँ रखा जाएगा? कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा, मध्य प्रदेश में। यस मैम। कहाँ पे है? नया रायपुर में ऊपर वाला। नया रायपुर ऊपर वाला। पुरखौती मुक्तांगन में क्या खास देखने को मिलता है? मैम पुरखौती मुक्तांगन में
जो हमारे राज्य की ट्राइबल कल्चर है उसको सहेजा जा रहा है और लोग एक मॉडल जैसा बनाया जा रहा है ताकि दूसरे लोग उसको देख करके जान सके और सीख सके। बस्तर फाइटर्स में अभी जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो आपका क्या विचार है कि ये कदम कितने हद तक सही है और इससे नक्सलिज्म पे कैसा, नक्सलवाद पे कैसा मतलब असर होगा इसका? यस, बस्तर फाइटर जो सरकार की जो पॉलिसी जो है, योजना है, उससे मेन फायदा हम ये देख सकते हैं कि जो पहले जो युवा या आदिवासी जो नक्सलिज्म के तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे वो नहीं अट्रैक्ट होंगे। और जैसे कि सरकार की जो योजना है, जो कि विकास, विश्वास और सुरक्षा, ये तीन पहलुओं पर वो खड़ी उतरती है। इसी को जैसे बस्तर फाइटर के अलावा दुर्गा फाइटर्स भी सरकार ने बनाई हैं, तो इससे हम देखते हैं कि पिछले 3 सालों में लगभग 589 जो गांव है वो नक्सल मुक्त हो चुके हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव संदेश है और लगातार लोगों का सरेंडर बढ़ते जा रहा है जो मुख्य मतलब नक्सलियों की तरफ आकर्षित हो चुके थे। आपको नहीं लगता कि इनको बंदूक छुड़वा के फिर आप बंदूक ही हाथ में पकड़ा रहे हो? मैम ठीक है, हम बंदूक पकड़ा रहे हैं, लेकिन हम बंदूक किस कॉज के लिए पकड़ा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम हिंसा और रक्तपात के लिए वो बंदूक पकड़े हुए थे, आज वो अपने आज हम देख पा रहे हैं कि जो नक्सलिया स्कूल उड़ाते थे आज वो स्कूल और अस्पताल की रक्षा के लिए बंदूक उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस विकास की वो बात करते थे कि विकास के कारण हम बंदूक उठाएं, वो विकास उनके आँख के सामने हो रहा है और वो उसके लिए ही खड़े हुए हैं। तो ये फ़र्क है दोनों बंदूक उठाने में। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कैसी कैसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा वो मुझे बताइए। मैम ट्राइबल डेवलपमेंट के हॉलिस्टिक जो समग्र विकास है उसके अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही हैं। जैसे कि उनके स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार क्लिनिक है, जहां दुर्गम क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य टीम है वो ज़्यादा करके इलाज कर रही है। उनके पोषण के लिए प्रावधान किए गए हैं और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए जो MFPs माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर लघु वनोपज उनको बढ़ा करके 65 माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को MSP पे सरकार क्रय कर रही है, जिससे उनका इनकम को डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ में जो उनके जो लैंड जो लिए गए थे 4,200 एकड़ लैंड प्लांट लगाने के लिए वो उसको वापस किए गए हैं। और अभी हाल ही में सरकार ने पैसा एक्ट को भी लागू कर दिया है। तो ठीक, आपने इंजीनियरिंग की है? यस मैम। इंजीनियरिंग की है, उसके बाद यहाँ आने का कैसा हुआ, आपका जर्नी कैसा रहा, आपने सिविल सेवा कैसे, आपको कब लगा कि आपको सिविल सेवक बनना है? यस मैम, जैसे कि इंजीनियर मतलब 12th के बाद मैंने PET की एग्जाम दी थी और मुझे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, तो मैं एक टेक्निकल एजुकेशन भी चाह रहा था कि हो जाए साथ में, लेकिन उसके बाद मेरा विशेष रुचि नहीं थी टेक्निकल एजुकेशन। फिर 2016 से मुझे इस फील्ड में रुचि जगी प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, तो किसी को देखकर जगी है या फिर क्या इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स? मैम उस समय चुनाव चल रहा था 2014 में, तो उस समय चुनाव के समय माहौल जब हम देख रहे थे तो दौरा भी कर रहे थे आसपास, तो ट्राइबल्स लोगों का जो दिक्कतों थी उसको देख करके भी एक जो मोटिवेशन था वो आया था। और एक उस समय तत्कालीन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अमित कटारिया जी, उनके काम करने के तौर तरीके ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।